साथियों, जब देश विकास करता है, विकास के कार्यों में गति आती है, तो कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ विकृत मानस वाले लोग, कुछ ताकतें अपना अफवाह तंत्र, रूमर्स, अफवाह तंत्र चलाने लगती है, लोगों को भड़काने लगती है। तेलंगाना में ऐसी ही अफवाहें आजकल सिंगारेणी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और विभिन्न कोल माइंस को लेकर उड़ाई जा रही है। और मैंने सुना है हैदराबाद से उसको हवा दी जा रही है, उसमें नए नए रंग भरे जा रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। ये अफवाह फैलाने वालों को ये भी पता नहीं है कि ये झूठ उनका पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ा झूठ समझिए, और यहां पत्रकार मंत्र बैठे हैं, जरा बारीकाई से देख ले इसको। SCCL में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। SCCL के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है, 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, SCCL के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है, और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे, ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दे। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं।